बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोशन और तेल के साथ जूहों का खात्मा करने का तरीका बताएंगे। ये देखें, कोपेक्स एंटी लाइस लोशन जो है ये यूज़ करना है हमने। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, ये उसके ऊपर सारी डिटेल भी दी हुई है। ये देखें, इसके साथ हमने क्वांटिटी बच्चों के लिए है, जब यूज़ करना है तो इसमें हमने थोड़ा सा सरसों का ऑयल, ये देखें हमने ऑयल इतना सा डाल लेना है और इतनी ही हमने ये लोशन को ऐड कर लेना है। ये बड़ों के अगर यूज़ करना है तो हम इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लगाने के लिए हमें कोशिश यही करनी है कि इसको हमने तेल के अंदर मिक्स करके ऐसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके अगर आप चाहें तो हाथ के साथ लगा सकती हैं, अगर नहीं तो आप ग्लव्स पहन के भी यूज़ कर सकती हैं और ये ब्रश के साथ भी यूज़ कर सकती हैं। हम आज ब्रश के साथ यूज़ करने का आपको तरीका बताएँगे। ये देखें, हमने सबसे पहले जो मांग निकाल लेनी है और कोशिश करें कि बच्चों की आंखों को बचाना है। ये चीज़ ऐसी हमने अच्छी तरह यहाँ पे स्किन के ऊपर लगा देनी है। जब हम स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी देर के लिए जूहों को सर में ख़ारिश वगैरह थोड़ी बहुत जलन होगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। वैसे सारी ये चीज़ें उसके ऊपर भी लिखी हुई हैं बॉटल के ऊपर जो हमारी है लोशन वाली। इसीलिए ऑयल डालते हैं कि बच्चों को ज़्यादा मसला ना बने, छोटे बच्चों के लिए। इसी तरह मांग निकाल निकाल के हमने सारे बालों में अच्छी तरह ये लोशन और ऑयल ऐड कर देना। इसके साथ लीकों का, जुओं का, हर किस्म की जुएँ वगैरह सारी ख़त्म हो जाएंगी। अगर बच्चों के बाल ज़्यादा हैवी हैं तो आप लोशन को अपनी उसी हिसाब से क्वांटिटी से बना लेना है, उतना ही ऑयल डालना है, उतना ही लोशन डाल लेना है। अगर बाल हल्के हैं तो आप उस हिसाब से लोशन बनाएं, उतना ही लोशन बनाना है जितना कि आपने यूज़ कर लेना है। ये बना के रखना नहीं है, जब आपने दोबारा यूज़ करना है तो फिर दोबारा इसी तरह बना लेना है। इसके लगाने के बाद आपको बेफिक्र हो के आप बेशक चेक भी ना करें, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। पहले मैं अपने बालों पे खुद यूज़ करती हूँ चीज़ को, या किसी भी कोई भी प्रोडक्ट है वो यूज़ करके फिर मैं अपने कस्टमर को इसकी देती हूँ। इसी तरह मैं आपके साथ भी करूँगी। जितनी देर तक मैं अपनी खुद के ऊपर करके देखती नहीं हूँ उतनी देर तक मैं बताती नहीं हूँ दूसरों को। इसी तरह हमने पीछे वाले बालों के पास आ जाना है, यहाँ से हमने ये पार्टीशन कर लेनी है ऐसे। अगर कोई लीकें वगैरह रह भी जाएं तो उसको गीले गीले बालों में बारीक कंघी ले लेनी है, उसके साथ आपने सारी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह सारे बालों में आपने अच्छी तरह तेल को भी लगा लेना है
और लोशन को, दोनों को जो मिक्सर बनाया है हमने वो अच्छी तरह सारे बालों में इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी कंप्लीट कर ली है। हमारा ऑयल ख़त्म हो गया था, हमने दोबारा बना लिया। इसी तरह आपको पहले भी मैंने बताया कि अगर उतना ही आपने यूज़ जो करना है उतना ही आपने सिर्फ बनाना है। जड़ों में आपने अच्छी तरह लगाना है क्योंकि जड़ों में ये स्किन के साथ चिपकी होती हैं, जो बच जाए वो आपने ऐसे एंड पे अच्छी तरह सारे बालों को पकड़ के यहाँ पे भी ऐसे ऐड कर देना। तकरीबन जिस बर्तन में आपने मिक्स करनी है गाइस, वो आपने बर्तन अलहदा ही रखना है, वो ये नहीं आपने यूज़ करना ये लोशन इसी में मिक्स करके फिर इसको आपने वेस्ट कर देना है। कोशिश करें कि वो ही बर्तन यूज़ करें कि जो आपके इस्तेमाल में ना हो। इस तरह हमने इसको ये चीज़ कवर कर देना है या चुटिया कर दें, कोई चीज़ भी आप इसको ऐसे करके कवर कर दें थोड़ी देर के, आधे घंटे के लिए हमने इसको रहने देना और फिर इसको अच्छी तरह वॉश कर देना है। दोस्तों इस तरह हमने कवर कर देना, अच्छी तरह कवर करके हमने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आपने भी यूज़ करनी है, यूज़ करके आप देखें, अगर आपको फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है। मेरा तकरीबन 10-12 साल का तजर्बा है कि मैं ये ख़ुद भी यूज़ करती रहती हूँ। पार्लर में अक्सर आ जाते हैं बच्चों के, गर्मियों की छुट्टियों में भी हो जाते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, सबके पड़ जाती हैं जुएँ, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप यूज़ करें, यूज़ करेंगे आपको पता चलेगा कि इसके साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।